Good morning. I am up and I am doing my yoga. ये आइटनरी देखो, मिसेज एंड मिस्टर संग्राम सिंह. अगर यहाँ पर मिसेज एंड मिस्टर पायल रोहत की लिखा होता तो क्या होता? बबाल. गुड मॉर्निंग. ये है सोच. सोच को समझो, सोच को सोचो, क्योंकि हम सब दिमाग रखते हैं. योगा टाइम. संग्राम आई थिंक वहाँ पे योगा कर रहा है. हम लोग योगा भी अलग अलग करते हैं. समझे कि समझाऊं? मैंने बहुत कोलैबोरेशंस के डील किए हैं. एंड ड्यूरिंग दोज कोलैबोरेशन डील्स, व्हेनेवर आई हैव विजिटेड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, मैंने अपना फीडबैक दिया है. बट अब मुझे समझ पड़ रहा है कि फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कितने चैलेंजेस होते हैं. एज सेलिब्रिटीज़ वी गो देयर थिंकिंग दैट हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, दिस हैज़ टू बी परफेक्ट, दैट हैज़ टू बी परफेक्ट. नाउ द अदर साइड, द जनरल मैनेजर और द ऑपरेशनल पर्सन इज़ डीलिंग विद लेबर. लेबर जो अनप्रडिक्टेबल है, लेबर जिसको नहीं पड़ी कि सामने सेलिब्रिटी है कि आम आदमी है, लेबर हु इज़ ऑन देयर ओन जोन. एंड उनकी गलती की वजह से द नेम ऑफ द ब्रांड दैट इज़ द होटल और द रिजॉर्ट गेट्स स्पॉइल्ड. सो नाउ आई एम गोइंग टू बी मोर काइंड व्हेनेवर आई डू एनी ऑफ कोलैबोरेशन डील्स एज अ सेलिब, एज अ एक्टर, एज अ आर्टिस्ट हु इज़ गॉट ऑन बोर्ड फॉर सर्टन प्रमोशनल एक्टिविटीज. बिकॉज मुझे अभी समझ पड़ गया है कि लेबर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट genre of people who have their own way of decoding a lot of things. अब अगर मेरे घर में चंदा बहन तंबाकू खाती हैं तो वो तंबाकू वो एक होटल में नहीं खा सकती. इफ़ शी इज़ वर्किंग इन द किचन ऑफ दैट होटल. लॉट ऑफ पीपल हैव द हैबिट ऑफ ईटिंग टोबैको, सो यू कैनॉट चेंज दैम. बट अगर आपको उनके साथ काम करना है तो येस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू द जनरल मैनेजर ऑफ विवेदा एंड शी वॉज टेलिंग मी दैट हैबिट ऑफ स्मोकिंग, देर इज स्टाफ दैट हैज़ हैबिट ऑफ स्मोकिंग. एंड हम उनको बोलते हैं कि आप अपने कपड़े बदलो और बाहर जाओ, स्मोक करो और फिर वापस आओ और होटल के कपड़े पहनो. सो स्टाफ हैज़ हैबिट्स. स्टाफ इज ऑब्वियसली वर्किंग एज पर देयर जोन. As a restaurant owner at this stage, I have to understand how to control it because अभी तक मेरा कोई in between manager नहीं है. But soon I will get it. Hopefully the universe will create situations that I get a good manager for my food business. So I just want to tell you that now I am going to be much more considerate because I've seen the side of dealing with labor. Labor which has bad habits, labor which is unpredictable, labor which has a different way of decoding normal conversations and talks. Samjhe ke samjhao? So I've done my yoga and I'm a nicer person. Yeah, how we condition ourselves, na? Let me see if the room is clean or not. But I shall be kind. I should not write bad reviews. Karma, Payal, karma. So now we are stepping out, me and my husband, Mrs. and Mr. Sangram Singh. And हम लोग Grape County जा रहे हैं. जिनका ये wellness center है उनका ही Grape County है. And ये देखो मेरे husband ने चश्मा पहन लिया. चश्मा पहन लिया मतलब I can record him. चश्मा उतार दो मतलब आई कैन नॉट रिकॉर्ड हिम. अरे आ रहे हैं ना, आप तो तेल लगा लेता हूँ तब रिकॉर्ड करते हो. अपने अपने वीडियो भी व्यूज लाने के लिए मेरा भरपूर इस्तेमाल करते हो. अरे मेरा खाने का बिजनेस अगर प्रमोट हो रहा है तो आलू पराठा खा रहे हो. कुछ चट्टी बैठो कैमरा लेके घुस जाओगे तो क्या है, वो मसाज करके बैठे हो तुम घर पे हो और तुम आलू का पराठा खा रहे हो तो मैं वीडियो खींचूंगी उसका, है ना? नहीं तो बता खींचू ना, बता के खींचा वरना तुम्हें पता, तुम्हारे सामने हाथ में कैमरा है और तुम्हें पता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ. संग्राम मेरे से ये गेम मत खेलना. I am very private person. अरे रहने दे प्राइवेट. हमने कैमरा पकड़ा था मैंने और रिकॉर्ड कर रही थी और बोला था मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. मजाक करने अरे गिरा हुआ ये देखो खेत है और रात को बहुत खूबसूरत मौसम हो जाता है यहाँ पे. दिन में थोड़ा सा वो रहता है.
सुन रहे मोबाइल ऐसे आ रहा हो ना मुंह पे, तो उसका मतलब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? कितना मुझे एडिट आउट करना पड़ा जर्नी टू नासिक में. ये दोस्त है मेरा जिसके पास जा रहे हैं, तेजस्वी जी. अच्छा, तेजस्वी जी है, उनकी मिसेज है. तो इनके फादर साहब ने बहुत मेहनत की है, नीचे से बिल्कुल वो आए हैं, क्योंकि मुझे याद है रविंदर सिंगल भाई साहब ने मुझे मिलवाया था, क्योंकि वो पहले नासिक कमिश्नर थे. तो उन्होंने बोला था कि ये बहुत मेहनत करके इनके फादर साहब बहुत नीचे से आए, उन्होंने ग्रेप काउंटी बनाया, उन्होंने ये विवेदा वेलनेस बनाया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं. इज किरण जी समथिंग उनका नाम है, मैं पूरा नाम भूल गया उनका, किरण चौहान जी आई थिंक. और बहुत मेहनती इंसान है, तो आई रिस्पेक्ट, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो मेहनती होते हैं उनकी तो और थोड़ी ज्यादा करता हूँ. हाँ, तो मैं तो तुमसे ज्यादा मेहनती हूँ, तो मेरी रिस्पेक्ट कब करोगे? आप तो वाकई बहुत बहुत मेहनती हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट तो अच्छे ज्यादा है. एक काम करो, आप बकरिया दूध पी के आओ, गांधी जी पीते थे वो हेल्दी रहते थे. देखो सामने इस दुनिया में कितना ही ताकतवर कोई क्यों ना हुआ, जिसने गलत रास्ता चुना है ना वो चोर बन गया है. रावण कितना बड़ा विद्वान था, कितना ताकतवर था, मगर रावण ने भी चोरी करके चोर बना, झूठ बोला, साधु का वेश धारण करके तब सीता माता का अपहरण किया उसने, उसने उनको मजबूर किया. तो याद रखो, कितना ही ताकतवर इंसान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो गलत करेगा तो चोर बन ही जाता है, और फिर लास्ट में उसका अंत वही होता है जो रावण का हुआ. तो इसलिए अपनी जिंदगी में एथिकल रहो, भले ही आप महत्व रखता हो कि भाई आप कितने छोटे हो, क्या काम कर रहे हो, छोटा कोई भी नहीं होता, मगर चीटिंग करके जो कुछ करेगा ना चोर बन जाएगा, तो फिर वो मारा जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स संग्राम, यू सेइंग इसके पैर नहीं पहुंच रहे, देखो उन बच्चों को साइकिल तक. तो कोई गाड़ी आ गई तो फिर ये वो करेंगे इनके पेरेंट्स को. पेरेंट्स को चाहिए कि कच्चे रास्ते पे कहीं सिखाए, हालांकि ये रोड इतना हैपनिंग नहीं है, मगर फिर भी तुम हरियाणा में अपने खेतों में आलू प्याज उगाओ और वो सारी बोरिया बॉम्बे मंगाओ. वहाँ बेटा वहाँ पे आलू प्याज उगा के बॉम्बे बोरिया लाने में ना वो कुछ बचेगा ही नहीं. नहीं बचेगा क्यों, बहुत दूर है ना. तो मैं तो सोचती हूँ ना, आलू प्याज लहसुन उगाओ और मुझे भी जो आओ, वो खुद खाने के लिए आ सकता है, क्योंकि यहाँ से अभी मेरे को आलू नासिक के आलू और प्याज के मंडी में जाना है. तुम इतने इतने पैशनेट हो के कहीं भी जाते हो तो आलू प्याज दिखाई देता है, वाह. हाँ मतलब मुझे मंडी देखनी है ना, अगर मुझे कुछ रिटेल होल का बिजनेस करना है तो मुझे होलसेल रेट्स देखने हैं ना वो बिजनेस करने के लिए. तो मुझे तो रेट्स तो देखने पड़ेंगे ना, जहाँ भी जाऊंगी दिमाग तो वही चलेगा ना, वरना फिर ये ट्रिप का वेस्ट हो जाएगा. नासिक कौन फिर से इतनी दूर आएगा? संग्राम जी, यू हैव टू हेल्प मी टू हेल्प अस. आई लव नासिक, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदूंगा. ठीक है, उसके पहले ना बेबी नासिक के आलू प्याज मंडी में एक चक्कर मार के आ सकते हैं. ठीक है, तो ये आप यहाँ से ना बड़ी अच्छी इलेक्ट्रिक टैक्सी देखी है मैंने, ऑटो देखे है. आपका वीडियो भी बना, कंटेंट भी बनेगा और लेके आप जाओ. जैसे अभी देखो ये होटल है, ये होटल में कितने लोग होंगे, बट एक इन बिटवीन पर्सन चाहिए. ये देखो कितने सारे लोग हैं जो काम करना चाहते होंगे बॉम्बे में. ये भगवान, ये थोड़ी के सब नहीं चाहते होंगे. हाँ बट उनमें से कोई तो एक तो हमको तो सिर्फ एक ही चाहिए. अगर हम यूनिवर्स में एफर्ट्स करेंगे तो एक तो मिल ही जाएगा, गाड़ी में लेके चले जाएंगे. लाइफ विल बी सो सेट, डू यू अंडरस्टैंड? आई हैव कम टू ग्रेप काउंटी. हेलो, हाउ आर यू? फाइन मैम. सो यू आर मेकिंग माय ऑमलेट, एग व्हाइट ऑमलेट. हां, एग व्हाइट प्लेन ऑमलेट. या नमक एंड काली मिरी. एंड थ्री डोसास आर बीइंग मेड. नमस्ते, हाउ आर यू? पता, मैंने भी कुछ फूड का चालू किया है, इसलिए मैं सब अभी देखने लगी हूँ कि कैसे बनता है, क्या बनता है. अच्छा, यहाँ पे ऐसे गैस आता है. ये पायलट है मैम. हाँ, ये कम लाता है, इससे लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती. ओह ओके, वाओ. तो मतलब ये गैस लाइन, अच्छा सिलेंडर है वहाँ पे. सिलेंडर है. ये आप पानी डाल रहे हो, तेल डाल रहे हो? ये तेल है. कौन सा तेल यूज करते हो आप? रिफाइंड.
रिफाइंड, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है रिफाइंड. रिफाइंड में पता नहीं चलता कौन सा तेल है, कौन सा रिफाइंड. फॉर्च्यून है, क्योंकि मैं भी अभी तेल खरीदती हूँ ना, तो मेरे को भी अभी समझ पड़ गया है कि तेल, आटा, चावल, बजटिंग करते हैं ना तो सब स्टेटमेंट्स होता है, सब समझना पड़ता. मेरा प्लेन है, मेरा प्लेन है भैया, इन लोगों का आप मसाला कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं ना तो अलग ही चीज होती है, आपको सब समझना पड़ता है प्रॉफिट. मैंने है ना एक रेस्टोरेंट जैसा थॉट प्रोसेस है, जो अभी मेरे घर पे iCloud किचन से चल रहा है, हेल्दी हसल नाम है. तो उसमें घर का खाना, रोटी सब्जी, आलू पराठा, पोहा, दाल राइस और दाल खिचड़ी, छह चीजें मैं दे रही हूँ, मतलब घर का खाना जैसा. घर का खाना जैसा, और वो मैं ऐसा देती हूँ जो मैं भी बना सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी पे डिपेंडेंट हूँ और वो भाग जाए तो गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि अभी तक मुझे मेरा सो कॉल्ड मेन शेफ नहीं मिला है. तो मैं ये सब कर रही हूँ. चलिए आप बनाइए, आई विल सिट. नाउ संग्राम जी इज, चलो चलो चलो, दिखाओ चुहा लेंगे. तो आप चाय पीते हो? नहीं पीना. दूध कितना पीते हो? उसका हाथ तो बिना पकड़ रहे जोर से, बेचारा वो बेचारा डर गया. जूस पीना, दूध पीना, व्हाटएवर. और माता पिता पैर छूते हो? पैर छूते हो? बिग टच करते हो? वाओ, हाउ स्वीट. सेंस वाली बात बता रहे, बताओ. क्या बोल रहे थे? मूल्य कीमत. हाँ मुझे बताओ क्या है. कि हमारे में से 99% लोग कीमत के पीछे भागते हैं. लाइफ में क्या होता है, जो मूल्य होता है उस चीज का, जैसे मान लो सांस ले रहे हैं, हवा है, पेड़ की छांव है, तो उसका कोई वेंटिलेशन है, उसका कोई मूल्य थोड़ी है. पंखा है, कूलर है, इन सभी कीमत है. जो कीमत है वो चीज थोड़ी दिन में खत्म हो जाएंगी. जो मूल्य है ना वो कभी खत्म नहीं होगा, वो लेगेसी छोड़ के पड़ता जाएगा, आगे जाएगा. तो जब आप मूल्य के पीछे चलने लगे ना, कीमत आगे पीछे अपने आप आ जाएगी. लेकिन हम उल्टा करते हैं, 98% हम उस चीज के बाद पीछे भागे जिसकी कीमत है. मूल्य जिसका है ना वो बड़ा, जैसे मान लो अमिताभ बच्चन साहब है, उनसे आप सीख सकते हो, सीख सकते हो कि भैया इतनी इतनी एज में वो डिसिप्लिन कितना है, या उसका लाइफ स्टाइल क्या है, या कुछ है. कई दूसरे एक्टर हैं जो उसके समकक्ष, उनसे आप क्या सीखोगे, समझे ना. तो आपको लेगेसी छोड़नी है, कि लेगेसी कहाँ छोड़ सकते हो. ओके बाय. नमस्ते. हाय हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू फॉर दिस लवली लंच. इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू गौरी. द प्लेजर वाज ऑल आवर्स. एंड दिस इज आवर राइस फ्रॉम द लोकल फार्मर्स ऑफ त्रिबकेश्वर. वाओ, एंड वी वुड लव फॉर यू टू ट्राई दिस आउट. ओके, थैंक यू सो मच. दिस इज गौरी जी, एंड शी इज द boss lady out here. County, and we are at Viveda. Thank you so much. And I'm going to try this rice for my healthy hustle. Yes. Thank you. Back to Viveda. This is so beautiful. ये कौन सा है? पत्तियाँ. हाँ? पत्तियाँ. किसकी पत्तियाँ हैं? Oh wow. This is so beautiful. I love this. Hello, I'll see you. So this is the beauty of life. Look at this. 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 Heading to my room now. They've given me a rice. Grown in their gardens, in their farms. In the room, they'll take a shower
एंड चिल।